सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड बाय स्ट्रेंजर ब्रेड के 125th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिधर अपन बात करते हैं जो मूवीज एंड वेब सीरीज के अपडेट निकल कर आती हैं उनकी। इस बार ये एपिसोड थोड़ा सा लेट आ रहा है, लेकिन अपडेट काफी ज्यादा धमाकेदार है, तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड अगर आप लोगों को भाई पसंद आ जाए वीडियो, देन इसको लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बात करें सबसे पहले अपडेट की, निकल कर आ रही है भाई मार्वल की मूवी डेडपूल के पहले टीजर की तरफ से। पता जा रहा है कि जो सुपर बॉल का इवेंट होने वाला है फरवरी के अंदर, उधर आप लोग को मार्वल की इकलौती मूवी जो कि 2024 में आएगी उसके ग्लिम्स पहले देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट मार्वल के साथ ही काफी सारे और जो हॉलीवुड के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके ग्लिम्स आप लोग को इस इवेंट में देखने को मिलने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 11 फरवरी को ये इवेंट होगा, तो उधर ही आप लोग को यूट्यूब के ऊपर काफी सारे जो नए टीजर्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं, जिसके अंदर जो लाइक अभी कॉन्ग की मूवी आ रही है, कॉन्ग एंड गॉडजिला की, उसके भी नए ट्रेलर की बात चल रही है। तो देखते हैं आगे, जैसे मेरे को और अपडेट पता चलेगी मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूंगा कि हॉलीवुड के कौन कौन से जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके ट्रेलर आप लोग को देखने को मिलेंगे। बट यस, यहाँ पे एक चीज की श्योरिटी बताई जा रही है कि आप लोग को डेडपूल 3 मूवी का लाइक 30 सेकंड का जो पहला ग्लिम्स है वो देखने को मिल सकता है। इसके चांसेस अभी काफी ज्यादा हैं। सो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सी ऐसी मूवी है इस साल हॉलीवुड की जिसके आप लोग पहले ग्लिम्स देखना चाहते हो। सो बात करें अपडेट नंबर 2 की, तो निकल कर आ रही है स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 की तरफ से। अब देखो, अगर आप लोगों ने चैनल के इंस्टाग्राम को फॉलो करा हुआ है तो उधर मैंने आप लोग को जो इनकी कुछ बिहाइंड द सीन पिक्चर्स थी उसको शेयर करा हुआ था, एंड उधर से ये चीज कंफर्म हो गई थी कि भैया सीजन 5 अपने शूटिंग फेज में जा चुका है फाइनली, एंड इसकी शूटिंग को कंप्लीट करने में अभी 1 साल तक का टाइम लगने वाला है। इनके मेकर्स की तरफ से ये अपडेट दी गई है कि सीजन 5 भाई बहुत तगड़े लेवल पर आप लोग को प्रेजेंट करा जाएगा, लेकिन उसके लिए अभी आप लोग को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। रिसेंटली डस्टिन एंड कुछ कास्ट मेंबर्स की और पिक्चर्स लाइक सामने निकल कर आई थी, एंड उसमें ऐसा लग रहा है कि हाँ भैया बच्चे कुछ ज्यादा ही बड़े हो चुके हैं, तो अच्छी बात है कि ये जो शो है वो अपने एंड की तरफ बढ़ चला है। आप लोग बताना आप लोग स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो। अच्छी खबर बस यही है कि भैया फाइनली ये शो अपने प्रोडक्शन फेज में जा चुका है, एंड जिसको खत्म करने में भी 2025 तो आ ही जाएगा। एंड स्ट्रेंजर थिंग्स के अलावा भी मैं और काफी सारी जो अपडेट्स हैं अपने चैनल के इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता रहता हूं, तो अगर आप लोगों ने अभी तक भाई उस पेज को फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सो बात करें अपडेट नंबर 3 की, तो निकल कर आ रही है अम्ब्रेला अकेडमी के सीजन 4 को लेकर। काफी सारे लोग भाई जानना चाहते थे कि सीजन 4 कब तक आएगा, बिकॉज मेकर्स ने तो अनाउंस कर दिया है कि 2024 में आप लोग को इसका जो फाइनल सीजन है वो देखने को मिलने वाला है। सो देखो, एज पर न्यू रिपोर्ट बताया जा रहा है कि आप लोग को मई 2024 तक ये जो शो है वो देखने को मिल जाएगा। मई से पहले इसके आने के चांसेस हैं, बट मैक्सिमम रिपोर्ट में ऐसा बताया जा रहा है कि मई तक ये शो डेफिनेटली आप लोग को देखने को मिल जाना चाहिए। तो अगर आप लोग इसके सीजन 4 का वेट कर रहे हो तो मई तक वेट करो, अगर इसके ऊपर और कुछ हमको कंफर्मेशन मिलेगी तो वो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। सो बात करें अपडेट नंबर 4 की, तो निकल कर आ रही भाई रेबल मून मूवी के आर रेटेड वर्जन की। अब देखो, इससे पहले जो आप लोग को रेबल मून मूवी देखने को मिली है वो पूरी मूवी नहीं है, उसमें से मैक्सिमम सीन्स को कट करा गया था क्योंकि इसको PG-13 रखना था जो कि नेटफ्लिक्स की डिमांड थी। लेकिन यहाँ पे एक और डील भाई जैक स्नाइडर ने कर रखी थी कि जो इनका पहला पार्ट होगा PG-13 वाला, उसके कुछ गैप बाद वो अपना आर रेटेड वर्जन भी रिलीज करेंगे। एंड बिकॉज ऑफ कि इनके PG-13 वर्जन को भाई उतना अच्छा ऑडियंस की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिला है, तो आई थिंक नेटफ्लिक्स भी ये सोच रहा होगा कि भाई जल्दी से इसका आर रेटेड वर्जन रिलीज करते हैं, क्या पता उसको अच्छे रिस्पॉन्स मिल जाए। तो बताया जा रहा है कि आप लोग को इस साल के समर के अंदर जो इसका आर रेटेड वर्जन है वो देखने को मिलेगा। अभी करंटली जो मंथ है वो भाई जून से जुलाई के बीच का बताया जा रहा है। इसका जो एक्सटेंडेड कट वर्जन है उसके अंदर बताया जा रहा है कि आप लोग को 1 घंटे की और लेंथ ऐड होती हुई देखने को मिलेगी, मतलब कि इस काफी सारे सीन्स PG-13 के अंदर काटे गए थे जो कि आप लोग को इसके लाइक एक्सटेंडेड वर्जन में देखने को मिलेंगे। हालांकि इसके एक्सटेंडेड कट वर्जन के रिलीज से पहले आप लोग को 19th अप्रैल को इस मूवी का सेकंड पार्ट भी देखने को मिल जाएगा जो कि PG-13 ही रहेगा, तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखना। सो बात करें अपडेट नंबर 5 की, तो निकल कर आ रही है मनी हाइस्ट के यूनिवर्स की तरफ से। अब देखो, आप सभी को बताया कि इनके यूनिवर्स हम लोग को एक तो मेन सीरीज देखने को मिली है, एंड अभी बर्लिन की सीरीज रिलीज हुई है जिसको ऑडियंस तब से तो मिक्स रिस्पांस मिला हुआ है, लेकिन फिर भी जितने भी मनी हाइस्ट के फैंस थे उन्होंने भाई हचक के उस सीरीज को देखा है, एंड दैट्स व्हाई उसकी जो व्यूअरशिप है वो काफी ज्यादा है अभी करंट टाइम में। अब देखो, भले ही बर्लिन सीरीज को लाइक रेटिंग कम मिली है, लेकिन वो व्यूअरशिप नेटफ्लिक्स को अच्छी खासी दे रही है, एंड दैट्स व्हाई बताया जा रहा है कि भाई मनी हाइस्ट के यूनिवर्स से जो इनके क्रिएटर एंड मेकर्स हैं वो लोग सोच रहे हैं कि और जो कैरेक्टर्स हैं उनकी वो लोग स्पिन ऑफ सीरीज बनाएं, एंड जिसके अंदर भाई रूमर्स ऐसे हैं कि प्रोफेसर का भी नाम बताया जा रहा है। सो अगर ये लोग भाई प्रोफेसर के ऊपर एक स्पिन ऑफ सीरीज बनाते हैं तो आप लोग को जो लाइक मनी हाइस्ट के चोरी से पहले उसकी लाइफ थी उसके ऊपर आप लोग को चीजें वो प्रेजेंट कर सकते हैं, एंड क्या पता कुछ ऐसे सीक्रेट हो जो कि भाई अभी तक हम लोग को प्रोफेसर के जानने को नहीं मिले हैं, तो ये लोग उस सीरीज में उसको भी दिखा सकते हैं। मेरे को लगता है कि अगर ये लोग प्रोफेसर के ऊपर शो बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा चलेगा, लेकिन उसको फिर इनको उसी लेवल का बनाना पड़ेगा जैसा मनी हाइस्ट हम लोग को देखने को मिला था। बर्लिन सीरीज के अंदर हाइस्ट तो सब कुछ अच्छी थी, लेकिन वहां पे काफी ज्यादा लव एंगल इन्होंने घुसेड़ दिया था
जिसकी वजह से वो जो शो है वो ऑडियंस को ज्यादा पसंद नहीं आया था। तो अगर ये अगली कोई भी स्पिन ऑफ सीरीज बनाते हैं या फिर बर्लिन सीरीज का ही नेक्स्ट सीजन लेकर आते हैं तो आई थिंक मेकर्स को ये चीज पता चल गई कि क्या क्या चीजें उनको गलती जो है वो नहीं दोहरानी है। तो मेरे को लगता है कि यस, आप लोग को आगे मनीष क्रिसमस में काफी कुछ देखने को मिलेगा। किस कैरेक्टर के ऊपर आप लोग शो देखना चाहते हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर देना। तब तक के लिए अभी गंडी इस बार के स्ट्रेंजर अपडेट वाले वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है देन इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आप लोग से अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, पीस ऑफ।